एक डॉक्टर बाहर के हैं, बाकी सब पीएससी के ही हैं। वो विशेषज्ञ हैं, आँख के विशेषज्ञ हैं। हाँ, अच्छा एक चीज़ बताइए कि इसमें जैसे विकलांग सर्टिफिकेट बनाना है तो भी गोल लगातार नहीं। समाचार बटुए चौगाई से खबर के हेडलाइन सुनी। चौगाई प्रखंड कार्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में लगावल गई स्वास्थ्य मेला, रिकॉर्ड तोड़ दिलस स्वास्थ्य मेला। खबर का बटुए विस्तार से जानी। रिकॉर्ड ही मामला में बटुए कि 16 से लेके अब 22 तक पूरे जिला में स्वास्थ्य मेला के आयोजन कर स्वास्थ्य मेला अमृत महोत्सव के रूप में मनावल जा रहा बा। ये अमृत महोत्सव के अवसर पे चौगाई प्रखंड कार्यालय के परिसर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में खूब बढ़िया कैंप लगा के इस स्वास्थ्य मेला के आयोजन कर एक और प्रचार प्रसार के जिम्मा आशा कार्यकर्ता के दिहल गई रहे, जौना में तमाम प्रकार के रोग और रोग से संबंधित लोग पहुँचल रहन। ये स्वास्थ्य मेला के उद्घाटन प्रखंड प्रमुख ऋषिकांत सिंह और जिला पार्षद बंटी साहिब फीता काट के कहेंगे। इस स्वास्थ्य मेला में सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड के बनावे खातिर जेकरा के गोल्डन कार्ड कहल जाला 5 लाख रुपया के जौना में लोग के स्वास्थ्य बीमा हो जाला ओकरा के बनवावे खातिर लोग राशन कार्ड लेके पहुँचल रहन। एकरा अलावे कुछ ऐसन भी देखे के मिलल जौन आश्चर्यचकित कर दिलस। कुष्ठ रोग से संबंधित कुछ ऐसन लोग रहन जिनका पैर में कुष्ठ के रोग रहे ऐसन लोग के चप्पल वितरण भी कैल गई। एकर जानकारी स्वास्थ्य प्रबंधक चिंतामणि जी देनी। ओ जे पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर मितेंद्र कुमार कहनी कि स्वास्थ्य मेला में रोग और रोग से संबंधित दवाई के भी वितरण कैल गई। छोट रोग होखो बड़ रोग होखो हर रोग के एहिजा डॉक्टर भी उपलब्ध रहन। डॉक्टर परामर्श सलाह आ दवा तीनों देत रहन। इ कार्यक्रम में इतना लोग जुटलन कि अभी तक के बक्सर जिला में जितना भी स्वास्थ्य मेला लागल बा उसमें सबसे अधिक संख्या में चौगाई पीएचसी के स्वास्थ्य केंद्र में लोग के जुटान भइल। इस स्वास्थ्य मेला में बड़ बुजुर्ग बच्चा सब लोग अपन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी लेवे खातिर आ साथे साथे यह स्वास्थ्य मेला के लाभ उठावे खातिर लोग पहुँचल रहे। रउरा सबके भोजपुरिया समाचार अभी बयान सुनाई कि पीएचसी के स्वास्थ्य प्रबंधक का कहली आ डॉक्टर साहब का कहनी ये सब कुछ देखाई, लेकिन रउरा सबसे निहोरा बाकी शेयर जरूर करब। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, क्या कार्यक्रम चल रहा है, इतना बड़ा भव्य आयोजन किया गया है स्वास्थ्य मेले का, इसमें क्या क्या सुविधाएं ग्रामीण परिवेश के लोगों को दी जा रही है? अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया है अपने चौगाई प्रखंड वासियों के लिए और बृहद व्यवस्था है, सारे तरह के व्यवस्था है जिसमें आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, विकलांग शिविर का भी व्यवस्था किए हैं, कुष्ठ के रोगियों को चप्पल वितरण या जो भी उनको सेवा है ग्रेड टू के भी लोगों को दिया जा रहा है और सभी प्रकार के विशेषज्ञ हैं, जैसे सामान्य रोग विशेषज्ञ हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, आँख के डॉक्टर हैं, महिला चिकित्सक हैं, रोग विशेषज्ञ हैं और आयुष चिकित्सक भी हैं, ये सारे लोग हमारे यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर कोई आए हैं या फिर पीएचसी के ही सारे डॉक्टर हैं? एक डॉक्टर बाहर के हैं, बाकी सब पीएचसी के ही हैं। वो विशेषज्ञ हैं, आँख के विशेषज्ञ हैं। हाँ, अच्छा एक चीज़ बताइए कि इसमें जैसे विकलांग सर्टिफिकेट बनाना है तो वो भी बन रहा है क्या? विकलांग का सर्टिफिकेट बन रहा है, आयुष्मान गोल्डन कार्ड भी बन रहा है। हम लोग विशेष जोर दे रहे हैं क्योंकि नियर भविष्य में विकलांग शिविर नहीं लगने वाला है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र के जितने जनता हैं विकलांग दिव्यांग जो भी छूटे हैं उनका कार्ड आज बना लिया जाए और इसके लिए हम व्यापक प्रचार प्रसार भी उन लोग को माध्यम से भी की सूचना दी गई है, आशा के माध्यम से सूचना दी गई है। अच्छा, कि अगर छूट जाए तो उन लोगों को बनेगा या फिर अगला तिथि कोई बताया जाएगा?
बना दिया जाए। आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सबको कवर कर लें, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी लोग मैक्सिमम लोग इस सूचना का इस मेला का लाभ लेंगे और बनवा लेंगे, क्योंकि आशा के माध्यम से हम एक प्रत्येक 1,000 के आबादी पर जो आशा है उस घर घर जा कर के सूचना। अच्छा, आयुष्मान कार्ड का जो ये बन रहा है तो वो किन किन लोग, नया भी नाम जुड़ा है क्या उसमें? नया नाम तो नहीं, श्रम कार्ड जिनके पास है और जिनके पास आधार कार्ड तो इसमें दोनों में कॉमन है, और जिनका ये है राशन कार्ड है भूरा वाला कार्ड उनका ये है, और वैसे लोगों का महिला का जो न्यू मैरिड है 10 बरस शादी किए हुआ उनका अगर मायके में राशन कार्ड में नाम है तो उनका भी बनेगा यहाँ पर। मायके में अनमैरिड थी, शादी नहीं हुआ था, अच्छा, वहाँ था वो तो, हाँ राशन कार्ड में अगर नाम था तो उनका भी यहाँ पर शादी के बाद भी बनेगा। नहीं, ये चल रहा है, जानकारी लोगों का कम था लेकिन हम लोग बना देते हैं, बनता है भी है। प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक चिंतामढ़ी चौगाई। आज काफ़ी भीड़ लगा हुआ है पीएचसी पर। ये श्री सर्जन महोदय के निर्देशानुसार जिले में 16 से 22 तक ब्लॉक लेवल पे स्वास्थ्य मेला का आयोजन करना था, तो इसी क्रम में हम लोग आज 22 तारीख को चौंकाई प्रखंड में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किए हैं। इसका प्रचार प्रसार पूरे ब्लॉक में किया गया, आशाओं द्वारा किया गया, और वो चल रहा है। कार्यक्रम है इसमें क्या दिया जा रहा है? इसमें सभी चीज़ों का है, जैसे कोविड टेस्ट है, कोविड टीकाकरण है, प्रसवपूर्व जांच है, टीवी का जांच, मलेरिया का जांच, कालाजार का जांच, फिर और जनरल जो रोगी होते हैं उनको देखा जा रहा है, और इसमें गोल्डन कार्ड बनाने का प्रावधान है। ये सारे गोल्डन कार्ड में सर, ये जो पुराने लोग हैं जिनका छूट गया है वो भी हैं क्या? नहीं, जो छूट गया जिनका नाम है वही, और कुछ नाम श्रम कार्ड के द्वारा जिले में जोड़ा गया है 32,000 के आसपास, तो उन लोगों का 32,000 जिले में जुड़ा है, हाँ श्रम कार्ड से नया लोगों का। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर मितेंद्र कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंगाई।